कानपुर में एक महिला दरोगा पर पूछताछ के नाम पर थर्ड डिग्री देने का आरोप लगा है। बाबूपुरवा निवासी दो सगे भाइयों को लूट के शक में पुलिस उठाकर ले गई थी। पूछताछ के दौरान आरोप है कि पुलिस के दरोगा और कई पुलिस कर्मियों ने दोनों भाइयों की पट्टे से पिटाई की है। पुलिस की क्रूरता के गवाह दोनों युवक के शरीर पर बने निशान भी हैं। मामले में पीड़ित भाइयों ने सीपी से न्याय की गुहार लगाई है। सर सबको जानते हैं, 5 पुलिस वाले थे और एक लेडीज थी और क्या दो हैं। क्या आपसे क्या कह रहे थे वो? हमसे कहीं तक जब तक नहीं बताओगे मारते रहेंगे सर। 20-25 बार पट्टे मारी ना हमारे, यही टांग में खाली नीचे मारी, ऊपर नहीं मारी ना। फिर जब हमें 20-25 बार मारने के बाद फिर इनको बुलाई ना, इनको ढंग से मारी ना। जो बाहरी लड़के थे, दो चाय वाले मुखर था, वो भी इसको मारी सर, हमें मारी था। और जो लेडीज थी वो हमारा पीछे से हाथ पकड़े था, रस्सी बांधी था, PPR डाल दी था, पट्टे चल। क्या क्या बताने के लिए कह रहे थे वो आपसे? जी कि चैन तुम्हें लोग ने लूट करी। हमने कहा मैडम हमारे सामने आप फोटो निकाल दीजिए, जो आप जो सबूत देंगे हम मान लेंगे। और फोटो वो मैचिंग की थी नहीं, घर से बता के ले गए कि चलान है, कोई घर से ले गई थी और बोलने लगी कि हमारा चलान है। मैडम तो फोटो दिखाने लगे, कहने लगे कल तुमने 6:30 बजे संजू मैम के पास चैन स्नैचिंग की है। मैंने कहा नहीं मैडम, कहने लगी तुम्हारी फोटो है, सेम कपड़े हैं। नहीं मैडम आप एक ढंग से फोटो देखो फिर पता चले। कहने लगी अच्छा मुझे बताती हूँ। फिर ऑफिस में ले गई, उन्होंने इंतहा मतलब कहने लगी मतलब दीवार पकड़ लो, दीवार पकड़ ले। फिर कम से कम 10-20 पट्टे मारा उन्होंने। कल ये अब बता। मैंने कहा मैडम मुझे नहीं मालूम। कहने लगी तेरा भाई तू कुछ बता रहा है। मैंने कहा मैडम जैसा भाई बता रहा वैसा ही सही है ना। तो उन्होंने मारा रहा खूब और तीन चीज़ें से पिटाई की पट्टे से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMTNews.